नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के कार्यक्रम में। मैं हूं अनु शर्मा। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। बड़सर उपमंडल के जोर से बायां दबड़ियाना गारली सड़क की हालत खस्ता। सड़क में पड़े बड़े बड़े गड्ढे किसी भी दुर्घटना को दे सकते हैं अंजाम। प्रदेश भर में शिक्षा में अव्वल जिला हमीरपुर के हाई स्कूल डुग्गा को बेस्ट लैंड मैनेजमेंट में देश भर में अव्वल रहने पर मिला अवार्ड। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हमीरपुर जिला के डुग्गा हाई स्कूल ने 1700 स्कूलों को पछाड़ते हुए नेशनल अवार्ड किया हासिल। दवेड़ा गांव के बाशिंदों ने जटवाड़ पंचायत में मिलाने का जताया विरोध। लमलू पंचायत में ही रहने को लेकर डीसी हमीरपुर को सौंपा ज्ञापन। प्रदेश सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल झूठी घोषणाओं वाला रहा। भाजपा सत्ता में आते ही सुस्त रवैये के चलते सुजानपुर में कार्यों की रफ्तार या धीमी पड़ गई है या तो कार्यों को बंद करवाने में जुटी हुई है, जिसमें सुजानपुर की जनता रोष पनप रहा है। कहा सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेंद्र राणा ने।